वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज से नवरात्रि शुरू है, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आज व्रत है, सभी का व्रत होगा, तो चलिए आज व्रत की स्पेशल थाली बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम साबूदाना ले लेते हैं। यहाँ पर हम चार लोगों के लिए नाश्ता बना रहे हैं, तो एक कटोरी साबूदाना को दो तीन पानी से अच्छे से धो करके उसे कम से कम 3 घंटे के लिए भिंगो करके रख दीजिएगा। और धुलने के बाद उसमें इतना पानी डालिएगा कि हमारे साबूदाना अच्छे से एकदम डूब जाए। फिर उनको 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर सेकंड रेसिपी की तरफ हमें क्या करना होगा, थोड़े से साबूदाने को लेकर के हमें कढ़ाई में भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, लेकिन हाँ, सारे जो इतना भुनिएगा कि कलर चेंज ना हो और सारे हमारे दाने व्हाइट से दिखे। ये हमारा अच्छे से मतलब भुन गया है और इन्हें हम पाउडर बनाएंगे। तो फ्रेंड, पाउडर बनाने के लिए ये गरम गरम हमें नहीं पीसना है, क्योंकि गरम गरम साबूदाना कभी नहीं पीसा पाएगा हमें। जब वो ठंडा हो जाएगा तभी हमें मिक्सी में डाल करके इसका फाइन पाउडर बना लेना। तो चलिए फर्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड, फर्स्ट रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए 4 आलू, और उन आलू को चौकोर चौकोर फ्रेंड कट कर लीजिएगा। उसके बाद उन्हें 50% बॉयल कर लेना है। पूरा बॉयल नहीं करना है फ्रेंड, केवल 50% बॉयल कर लीजिएगा। इस तरह से हम आप अगर पहले से भी तैयारी करके नहीं रखे हैं तो भी आपका साबूदाना और आलू का पोहा बन जाएगा। तो फ्रेंड, इधर जो है कि मेरा साबूदाना भी एकदम अच्छे से बॉयल हो चुका था, सॉरी फूल चुका था, एकदम मतलब खिल गए थे। ये 3 घंटे के लिए हम भिंगो करके रख दिए थे। तो चलिए अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेसिपी बनाने के लिए सामान देख लीजिए कि हमें साबूदाना का पोहा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो उधर आलू बॉयल हो गया है थोड़ा। सो फ्रेंड्स, इधर कढ़ाई चढ़ा दीजिए, आपकी कढ़ाई जब तक गर्म होती रहे, और आप उसमें जो भी ऑयल खाते होंगे, जो भी आपको पसंद होता है खाने में, आप वो ऑयल यहाँ पर डालिएगा। मैं सफोला गोल्ड खाती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर सफोला गोल्ड ले रही हूँ। और आप चाहें तो देसी घी भी ले सकते हैं, पर मैं इसी में बनाऊँगी। तो इधर चम्मच, 4 चम्मच के लगभग हम तेल डाल दिए थे, क्योंकि साबूदाना के का पोहा जब बनाते हैं फ्रेंड तो हमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालना होता है, नहीं तो सारे साबूदाना एक दूसरे में चिपकने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा ले लिए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ जो है कि मेरा तेल गर्म हो गया था, तो हम इसमें मूँगफली डाल दिए हैं। मूँगफलियों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस ये क्रेक हो जाए बस इतने ही हमें करने हैं। बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देने से फिर वो मज़ा नहीं आता मूंगफली खाने का। बस यहाँ हमें इस तरह से सारे मूंगफली के दाने क्रेक हो जाएं, बस हमें निकाल लेना है। एक अलग कटोरी में निकाल लीजिएगा फ्रेंड मूंगफली के दानों को। फिर उसके बाद जो है कि इसी तेल में हम थोड़ा सा यहाँ पर जीरा डालेंगे। फ्रेंड, हम लोग व्रत में जीरा खाते हैं, अगर आप लोग जीरा नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट मिर्ची डाल दीजिएगा, पर हम लोग जीरा, काली मिर्च ये सब व्रत में खाते हैं। तो जीरा जब हमारा चटक जाएगा तो उसमें हम हरी मिर्ची डाल देंगे, और हरी मिर्ची भी जब थोड़ा सा हो जाएगा तो इसमें जो हम आलू को बॉयल करके रखे थे ना 50%, उसी आलू को डालना है हमें। कड़ी पत्ता भी डाल दीजिएगा। अब आलू को डाल करके हमें थोड़ा मतलब कि क्रंची तक उसको तेज आँच में थोड़ा सा फ्राई करना है, जिससे कि ये बिल्कुल खिले खिले से आलू हमारे रहे। तो इनको 50% तो हमारे ये आलू हो ही चुके थे पहले से, और अभी मतलब कि इनको थोड़ा ब्राउन होने तक तेज आंच में पका लीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो टमाटर कट करके रखे हुए थे, 1 टमाटर। तो यहाँ पर हम 1 टमाटर कट करके रखे थे, वो टमाटर डाल दिए हैं, और इनको भी थोड़ा सा भून लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें अपना जो भी सामान है वो हमें यहाँ पर डालना है। फ्रेंड, आप चाहे तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, पर केवल मूंगफली से भी हमारा पोहा बहुत अच्छा बनता है, साबूदाना पोहा। तो यहाँ पर मूंगफली भी हम डाल दिए थे जो भून करके रखे थे, और अब इधर जो हम साबूदाना रखे थे भिंगो करके, वो साबूदाना हमें डाल करके सबको मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड, अगर आपके पास नॉन स्टिक वाली कढ़ाई होगी तो आप नॉन स्टिक की कढ़ाई में बनाइएगा,
उसमें ये साबूदाना चिपकते नहीं है। और फ्रेंड यहाँ पर हमें आधा नींबू निचोड़ देना है। नींबू निचोड़ देने से भी हमारे साबूदाना जो है वो आपस में एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, अलग अलग से रहते हैं। तो आधा नींबू निचोड़ लीजिएगा और टेस्ट भी थोड़ा चटपटा सा हो जाएगा। अब यहाँ पर टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ले लीजिएगा। यहाँ पर हम नमक सेंधा नमक लिए हैं जो कि शंख का है। उसके बाद इसमें हमें डाल देना है काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा फ्रेंड, नहीं तो गला जलने लगेगा। थोड़ा सा डाल करके फिर हमें मिक्स कर देना है। और अगर आपको लगे कि आपके पोहे तीखे नहीं बने हैं तो आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम जो है कि थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे। ये मेरे घर का मैंने खुद बनाया है लाल मिर्ची का पाउडर, वही है, इसीलिए बहुत ज़रा सा डाले हैं, तीखा बहुत है ये। बस इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा और आपकी फर्स्ट रेसिपी बन करके रेडी है। तो अब इन्हें एक बाउल में आप अपना निकाल लीजिए प्रेजेंटेशन। तो फ्रेंड बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है देखने में। तो चलिए अब हम बनाते हैं सेकंड रेसिपी। तो सेकंड रेसिपी के लिए थोड़ा सा साबूदाना को 2-3 पानी से धुल लीजिएगा। उसके बाद एक पतीले में 1 चम्मच चीनी डालिएगा। फ्रेंड हम यहाँ पर कैरामल बना रहे हैं। कैरामल बनाने के लिए हमें 1 चम्मच चीनी और बहुत ज़रा सा पानी, मतलब आधा चम्मच से भी कम पानी डालिएगा और इन्हें अच्छे से पिघला लीजिएगा। जैसे ही पिघलने लग जाए फ्रेंड आप अपना गैस बंद कर दीजिएगा, नहीं तो ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। और इनको चलाते रहना है और ये तो अपने आप ही ब्राउन हो जाएंगे। तो फ्रेंड हम स्टील का भगोना लिए हैं, आप कोई और भी भगोना ले सकते हैं। तो इसमें अब थोड़ा सा हम दूध डाल करके फिर सारी चीनियों को पिघला लेंगे। तो हमें कुछ इस तरह का कलर हमें मिल गया है, इससे खीर में टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड और कलर भी बहुत प्यारा सा आ जाता है। तो अब इसे हम एक कटोरी में अलग से निकाल लेंगे, इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं है, इसकी ज़रूरत हमें एकदम लास्ट में पड़ेगी। फिर हम इसी भगोने में दूध डालेंगे। जितना भी आपको खीर बनाना है उस हिसाब से आप अपना दूध डाल लीजिएगा। हम 4 लोगों का खीर बन रहा है तो 2 कटोरी के लगभग हम लिए हुए हैं दूध। और फिर जब आपका दूध खौलने लगेगा तभी हमें उसमें साबूदाना डालना है। फ्रेंड ठंडे दूध में साबूदाना डाल करके नहीं बनाएंगे, नहीं तो हमारा साबूदाना खीर हमारी फट सकती है। इसलिए जब दूध हमारा अच्छे से खौलने लगेगा तब आप इसमें साबूदाना डाल दीजिएगा। और साबूदाना डालने के बाद थोड़ी देर तक पकाइएगा, उसके बाद चीनी डालिएगा। फ्रेंड चीनी अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा। यहाँ पर हम चीनी डाल रहे थे तो मैं डब्बे में लौंग डाल करके रखती हूँ, तो मेरा लौंग ये था, कुछ और आप लोग नहीं समझिएगा, ये लौंग था। फिर टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी डाल करके भी फिर हमें चीनी को अच्छी तरह से पिघला लेना है। जब हमारा चीनी एकदम अच्छे से दूध साबूदाना सब मेल्ट हो जाएगा फिर इसमें हम डालेंगे अपना कैरामेल। कैरामेल डालने से फ्रेंड बहुत अच्छा सा कलर भी आता है और बहुत प्यारा सा, मतलब एकदम टेस्ट एकदम चेंज, अलग सा टेस्ट भी आता है। तो इधर हमारा खीर बन करके रेडी हो गई। तो चलिए हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। थर्ड रेसिपी में फ्रेंड हमें तो चाहिए लौकी। हम बनाएंगे लौकी का चीला। तो लौकी का चीला बनाने के लिए हमें चाहिए लौकी। लौकी को अच्छे से धो करके, छील के धो करके फिर कद्दूकस कर लीजिएगा। कद्दूकस करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ चीज़ें। तो इसमें जो हम ऐड करेंगे, आप जो चीज़ व्रत में खाते हैं वो डाल लीजिएगा। और यहाँ पर हम लिए हैं 1/2 कटा हुआ टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग हम यहाँ पर हरी मिर्च लिए हैं, हरी मिर्च को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम लेंगे यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर लिए हैं, ज़रा सा, बहुत ज़रा सा लीजिएगा फ्रेंड, नहीं तो गला जलने लगता है, ज़्यादा हो जाता है। तो थोड़ा सा हम लेंगे यहाँ पर जीरा। जीरा डालने से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप व्रत में जीरा नहीं खाते हैं तो नहीं डालिएगा। यहाँ पर हम डाले हैं थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। तो फ्रेंड इतना सामान डालने के बाद जो हम थोड़ा सा साबूदाने का पाउडर बचा करके रखे थे तो उसका हम थोड़ा सा साबूदाने का पाउडर डालेंगे। आपको जितना चाहे आप उतना डाल सकते हैं। यहाँ पर साबूदाना जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा लगता है खाने में। और हमारा एक चीला
चीला दो चीला खाने से ही पेट एकदम भर जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर साबूदाना डाल करके हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, इकट्ठा पानी नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्योंकि साबूदाना भी थोड़ा सा पानी पिएगी, तो साबूदाने में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसे 5-7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तुरंत हम आटा मतलब साबूदाने का पाउडर डाल करके पानी डाल करके चीला नहीं बनाएंगे, इनको फूलने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। 5 मिनट आप इनको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा, 5 मिनट में आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सूखे सूखे टाइप से हो जाएंगे। आप ऐसे भी चीला बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और पानी हम ऐड कर दे रहे हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा सूखा सूखा टाइप का लग रहा है फ्रेंड। पर आपको बता दें कि हम यहाँ पर जो ये पानी डाल दिए थे थोड़ा सा मेरा ज़्यादा हो गया था, बट आप थोड़ा सा कम पानी डालिएगा चीला। तो फ्रेंड थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया था तो हम इसमें थोड़ा सा और हम साबूदाने का पाउडर ऐड कर दिए, तो मेरा हो गया था एकदम अच्छे से। तो यहाँ सॉरी फ्रेंड, तो तावे पर आप अपने साइज के हिसाब से फैला लीजिए, आपको जितना बड़ा छोटा बनाना है उतना बड़ा छोटा बना लीजिएगा। फ्रेंड ये वाला चीला थोड़ा सा बनने में टाइम लेता है क्योंकि लौकी भी है, लौकी थोड़ा सा पकने में टाइम लेगी, बाकी साबूदाना तो हमारा बहुत तुरंत पाउडर बना है तो वो तुरंत हमारा हो जाता है। तो इधर मेरा एक चीला बन करके रेडी हो गया था। तो फ्रेंड मेरा तवा इतना बड़ा है कि हम इसमें 3-4 चीला एकदम आराम से छोटा छोटा बना सकते हैं, तो मैं क्या करूँगी इसी तवे पर हम 3-4 चीला एक साथ बना देंगे। तो फ्रेंड कंसिस्टेंसी आप यहाँ पर देख लीजिएगा हमारे चीले का कंसिस्टेंसी, मतलब जो है वो न ज़्यादा गीला है न ज़्यादा मतलब सूखा है, बिल्कुल इसी तरह से हमें रखना है। तो फ्रेंड हम मेरे चार चीले बने थे तो हम चारों इसी पर फैला लिए हैं, एक मेरा बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड जब चीला बनाइएगा तो इनको जितने चीले हैं सबको अलग अलग रखिएगा, एक के ऊपर एक नहीं रखिएगा नहीं सब आपस में चिपक जाएंगे। तो जब तक हमारा चीला बन रहा है तब तक हम पक रहा है तब तक हम चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम नेक्स्ट रेसिपी में केले का चिप्स बनाएंगे जो कि हम फ्राई करके नहीं बना रहे हैं, इसे हम तवे पर बनाएंगे। तो यहाँ पर आप 1-2-3 जितने भी केले लेने होंगे उनको ले लीजिएगा, केले लेकर के इस तरह से उनको छील लीजिएगा, छीलने के बाद इनको धुल लीजिएगा। धुल करके फिर हम जिस बर्तन में चीला बनाए थे फ्रेंड उसी में हम इसे भी बनाएंगे, फेंटेंगे। तो हमें क्या करना है कि इनको थोड़ा लंबे लंबे और पतले पतले चिप्स जैसे कट करिएगा, बहुत मोटे मोटे कट नहीं करना है, एक केला एक लोगों के लिए बहुत है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम लेंगे 1 चम्मच दही, गाढ़ी दही लीजिएगा, पानी जैसा दही नहीं लेना है हमें, और अगर आपके पास दही नहीं है तो आप दही स्किप भी कर सकते हैं। तो फिर उसमें जो है कि हम ले लिए हैं थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे टेस्ट अकॉर्डिंग नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स है, ये मेरा घर का चिली फ्लेक्स है, बहुत तीखा बहुत चटपटा सा है ये। फिर इसमें भी डालेंगे बहुत ज़रा सा जीरा डालेंगे, खड़ा जीरा डालिएगा फ्रेंड, और 1 चम्मच हम साबूदाने का पाउडर डाल देंगे। तो ये हमारा जो चिप्स बन करके रेडी होगा ये बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन करके रेडी होगा। आप इसे व्रत में खाइए, आप इसे जब मन हो तब बिना फ्राई किए आप इस तरह से केले का चिप्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड थोड़ा सा हम नींबू भी ऐड किए हैं, नींबू का रस थोड़ा सा डाल लीजिएगा। तो इधर मेरे चारों चीले बन करके रेडी हो गए थे, तो मैं क्या करूँगी कि उसी तवे पर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, उसके बाद एक एक करके अपने सारे केले के चिप्स जो आपने बनाए हैं उनको फैला लीजिएगा, एक के ऊपर एक नहीं हमें फैलाना है, हमें इस तरह से अलग अलग फैलाना है, इसीलिए हम थोड़ा लंबा लंबा कट किए थे कि थोड़ा वो साइज़ में बड़े दिखे। फिर उनको एक तरफ जब हमारा हो जाएगा तो दूसरी तरफ हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे, ऑयल डाल करके फिर सारे चिप्स को हमें इस तरह से पलट लेना है। तो फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा समझ जाइए कि क्रंची और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप इस तरह से इन्हें एनी टाइम आप चाय के साथ शाम को खा सकते हैं। तो फ्रेंड चलिए नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट रेसिपी में हम जो लिए थे, हमारे यहाँ आज कच्चा मूंगफली आया था, कच्ची मूंगफली जो होती है खेतों से खन करके निकलती है वो वाली मूंगफली आई थी। तो मूंगफली तो हम व्रत में खाते ही हैं,
मूंगफली, इस मूंगफली को हम इस तरह से आप खाएंगे तो आप इसका स्वाद कभी भूल नहीं पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए बनाते हैं। इसमें हम मूंगफली को क्या किए हैं, अच्छे से धुल करके इसकी मिट्टी निकाल करके थोड़ा सा बॉयल कर लिए हैं। 5 मिनट बॉयल करने के बाद आप गैस बंद कर दीजिएगा और अपने उसको ढक करके छोड़ दीजिएगा। वो बॉयल हो गए थे तो हम इधर उनको के साथ खाने के लिए एक नमक रेडी करेंगे। तो नमक के लिए हम लिए हैं 4 से 5 में हरी मिर्च ली हूँ, उसमें छोटा सा टुकड़ा अदरक का फ्रेंड डाले हैं। हम लोग व्रत में अदरक भी खाते हैं, अगर आप अदरक नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिएगा। उसके बाद हम डाले हैं इसमें थोड़ा सा नमक, नमक डाल के कूट करके आप अपना मिर्च का ये बना लीजिएगा नमक, हरी मिर्च का नमक, तो फिर उसको आप इंजॉय करिए। तो फ्रेंड हमारी सारी रेसिपी बन करके, तो फ्रेंड्स बन गई है हमारी आज की थाली। तो चलिए हम थोड़ा सा इसका प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। इधर हम केले का ये चिप्स बना हुआ है, देखिए केले का चिप्स कितना, मतलब कि कितना क्रंची है, बहुत अच्छा है। इधर मूंगफली है, हमने मूंगफली को बॉईल किया हुआ है। इधर हमारा साबूदाने का पोहा है, खिचड़ी जिसको बोलते हैं। इधर साबूदाने की हमारी खीर है और ये लौकी और साबूदाने का चीला है। और व्रत में स्पेशल ये हमारे थोड़े से फ्रूट्स हैं। तो चलिए थोड़ी सी थाली लगा लेते हैं अपनी। फ्रेंड्स यही थी हम मेरी आज की व्रत नवरात्रि की स्पेशल थाली, व्रत की थाली। अगर आप लोगों को आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आती है और आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर न्यू है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।